मैं शरारती तो मैं अभी भी हूँ। लोग बोलते हैं ना कि जो बचपन में बहुत बच्चे बहुत शरारती होते हैं वो बड़े होके शांत हो जाते हैं। हाँ मेरे केस में वो हुआ ही नहीं क्योंकि मैं कभी बड़ी नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली। तो नए नए सोने के इयररिंग्स पहनाए थे मुझे, तो मैंने जाके वो गटर में फेंक दिए थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वाला, घर से निकल जाती थी कभी भी, भाग जाती थी। रिया मोटू पतलू तो काफी शरारत करते ही है, दोनों कार्टून भी देखा होगा आपने, काफी पॉपुलर है। आपकी क्या कुछ शरारतें बचपन की, कुछ फन मेमोरीज? आई थिंक ऑब्वियसली फैंस भी जानना चाहेंगे कि रिया बचपन में कैसी थी, कुछ शेयर करना चाहेंगे। हाँ मैं शरारती तो मैं अभी भी हूँ। लोग बोलते हैं ना कि जो बचपन में बहुत बच्चे बहुत शरारती होते हैं वो बड़े होके शांत हो जाते हैं। मेरे केस में वो हुआ ही नहीं क्योंकि मैं कभी बड़ी नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली। बट मैं बहुत शरारती थी। आई रिमेम्बर एक इंसिडेंट, मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि मुझे कोई भी चीज़ इरिटेट करती थी ना तो विदाउट एनी थॉट आई वुड जस्ट थ्रो इट अवे। तो नए नए सोने के इयररिंग्स पहनाए थे मुझे, तो मैंने जाके वो गटर में फेंक दिए थे। ओ या तो आई वॉज लाइक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वाला, घर से निकल जाती थी कभी भी, भाग जाती थी। सो आई वॉज काइंड ऑफ दैट चाइल्ड, वेरी मिस्चीवियस। ये बिल्कुल मेरे पैरेट जैसा है, पता है? ये मेरे पास ऐसा पैरेट था, मैंने अडॉप्ट किया था। एक का नाम था डोरा, एक का जोई। वो सेम वैसे दिख रहा है, रेड पट्टा। और मेरी हेयरस्टाइल ऐसी थी। शिट, ये मैं तो नहीं हूँ। यस आई थिंक दैट्स मी, सेम। ये मैं पढ़ूंगी, खूब इंटरेस्टिंग। फ्लाइट में बैठ के मैं जरूर ये लेकर जाऊंगी क्योंकि अभी मैं ट्रैवल कर रही हूँ न्यू ईयर्स के लिए।